नेतन्याहू ने टारगेट सेट कर लिया है। गजा के बाद अब नेतन्याहू हिजबुल्ला को खत्म करना चाहते हैं और इस लड़ाई के लिए वो अमेरिका से भी लड़ने को तैयार हैं। अमेरिका की कोशिश है कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध ना हो, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या नेतन्याहू हमास के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? क्या नेतन्याहू हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को मार डालेंगे? क्या नेतन्याहू ईरान के दाहिने हाथ हिजबुल्ला को जड़ से खत्म कर देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने अचानक अपना फोकस उत्तर की तरफ कर दिया है। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि यही हिजबुल्ला पर वार करने का सही वक्त है और इस वक्त हिजबुल्ला की रॉकेट फोर्स को जवाब नहीं दिया गया तो इसराइल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. हिजबुल्ला आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्ला का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्ला की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरल्ला ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है और अगर यह पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इसराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्ला का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्ला का यह पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इसराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गजा पर बमबारी में इसराइल का साथ दे रही है। हिजबुल्ला की हर वार्निंग को इसराइल को बहुत गंभीरता से लेना होगा। एक तरह से हिजबुल्ला ने अपना पंजा दिखा दिया है। משימות שלנו בדרום, אבל יש לנו כאן משימה שהיא משימה שלא בוצעה. המשימה הזאת זה לשנות את המצב הביטחוני ולהחזיר את התושבים אל הבתים שלהם. אני את ההנחיות האלה שהיום אתם מחכים להם נתתי בדרום וראיתי את הכוחות פועלים אחרי שלושה שבועות. צאו לדרך, יצאו לדרך, ביצעו את המשימה שלהם. זה יגיע גם כאן. ואתם צריכים להיות ערוכים ומוכנים לבצע את המשימה הזאת. हिजबुल्ला के महासचिव हसन नसरुल्ला ने फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक मैसेज दिया है। इसराइल को भी डर है कि अब ऐसा युद्ध होगा जिसमें 10 गुना ज्यादा मौत होंगी। इसमें टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। हसन नसरुल्ला की तरफ से बार बार ऐसी धमकियां मिल रही हैं जिसमें नेतन्याहू सबसे बड़े टारगेट नजर आ रहे हैं। في الايام القليله الماضيه موجه جديده من التهديدات من نتنياهو من جالنت من جانيتس من اخرين باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهه وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الاداء. नेतन्याहु और इसराइल की सेना इस बात को समझती है कि हिजबुल्ला का पंजा अमेरिका और इसराइल का खेल बिगाड़ सकता है।
इस पंजे में हिजबुल्ला की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्ला का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्ला के पंजे में स्नाइपर वाली टोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्ला की स्पेशल फोर्स भी है, और अब तो इसमें हिजबुल्ला की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। ये इशारा हिजबुल्ला की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि गाजा में बहुत हुआ, अब इसराइल को सबसे बड़ी सजा देने की बारी है। हमास के बाद हिजबुल्ला इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। باب المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان إذا أردتم أيها الأمريكيون أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة هذه هي المعادلة ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق हसन नसरल्ला का पूरा फोकस इस वक्त गजा पर है। हिजबुल्ला ने अब तक जो भी हथियार दिखाए हैं उसका उसने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। लेबनान और इसराइल के बॉर्डर पर इसराइल ने जितने भी सर्विलांस उपकरण लगाए हैं उनको पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इन टावर्स को इसराइल ने अरबों रुपए खर्च करके लगाया था। पिछले 15 सालों में उसने लेबनान बॉर्डर पर निगरानी का जितना भी इंतजाम किया उसे हिजबुल्ला ने एक झटके में खत्म कर दिया है। כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. החמאס כבר לומד זאת בפעולתנו הנחושה שתביא להשמדתו ולשחרור כל חטופינו. इसराइल का दावा है कि हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं और इन रॉकेट्स के निशाने पर उसके हाइफा और तेल अवीव जैसे शहर हैं। ये रॉकेट इसराइल पर गिरे तो इसराइल के दो बड़े शहरों का काम तमाम हो जाएगा। التي نسميها البركان والتي تستهدف بها المواقع البركان صاروخ زنت المتفجرات الموجودة فيه ما بين 300 كيلو إلى 500 كيلو يعني نصف طن لكم أن تتصوروا نصف طن من المتفجرات يقع على رؤوس المواقع الإسرائيلية في المنطقة الأمامية وفي الحدود लेबनान बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त वो इसराइल की बमबारी में एक खंडर बनता जा रहा है। 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 18,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में नेतन्याहू की ये धमकी क्या हिजबुल्ला को डरा पाएगी, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। देखा जाए तो हिजबुल्ला वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्ला को इसराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है।